चमक नहीं, दिन पे दिन तुम्हारी चमक कम होती जा रही है। टिक्की खाना, समोसे खाना, बर्गर खाना। अरे चमकनी जी, वो ब्यूटी पार्लर नहीं होता है, ब्यूटी पार्लर होता है। सही जा रही हो तुम। सच बताऊं चमकनी जी, मैंने गोलगप्पे वाले को दो बार स्माइल देकर उसकी गिनती बुलवा दी। और अरे चमकनी जी, ये पिक्चर तो मैंने भी देखी है 20 से 25 बार। अबे देख, हाँ अबे कितनी अच्छी फिल्म है। अबे जब देखो मोबाइल में लगा रहता है। अबे आया है तो कुछ बात कर, हर वक्त फोन 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 फोन। अबे ये मत कह तू। क्यों? अबे एक तो मेरी बीवी पीछे पड़ी रहे कि मोबाइल मत चला, नहीं तो बिगड़ जाएगा तू। अच्छा हाँ, ये मोबाइल है ना। हाँ। सो तो है मेरी बीवी की। अच्छा हाँ। बेटे बीवियों को ऐसे नहीं कहना चाहिए, भाभी को ऐसे बोलने की जरूरत ही ना तुझे। बेटे औरतों की इज्जत किया करो, पता है औरतों के बाल भी ना बेटे 2000 रुपए किलो बिकते हैं। अबे मेरे बाल भी बिक जाएंगे 50 रुपए किलो। बेटे अपनी तो बात ही मत कर, तू तू तो 50 रुपए का आदमी नहीं है। अबे क्या कह रहा तू? बेटे सही कह रहा हूँ मैं। अबे यही मत कहियो तू। क्यों ना कहियो? बे क्यों लड़ रहे हो चिचोरो? आ बैठ, तू भी आ जा। हाँ कैसे लड़ो चोरो, भाभी ने मार के भगा दिया क्या आज? बेटे ऐसा, मैं तो अपनी बीवी से डरता हूँ बिल्कुल भी। अगर वो कहती है ना कि ऐसी दोपहर में जाके कपड़े धो, मैं नहीं धोता, मैं तो कह देता हूँ शाम को धोऊंगा, ठंड ठंड में धोऊंगा। यानी तुम्हारी जिंदगी दुखों के दौर से गुजर रही है। ओ, गुजर रही है तो उसका दो क्या करेगा ये तो। अबे ये क्या है भाई, ये भोजपुरी कॉमेडी फिल्म है इसका। अच्छा, अबे क्या नाम है फिल्म का? बमे बम, भोजपुरी कॉमेडी फिल्म बम। रात को बत्ती बंद करके देखना। हाँ। और तुम दोनों आ जाएगा दम। मैं चलता हूँ। ओबे यार। हाँ। मैं देखी जाए यार फिर फिल्म। वो देख तो ले, पर बीवी का क्या होगा? अबे हाँ यार, घर में मोबाइल तक तो चलाने ना देती है पट्टी है, मैं तो इसे कैसे देख लेंगे हम। लेकिन एक आइडिया है मेरे पास। वो क्या है? तू ऐसा कर, तू अपनी बीवी को ब्यूटी पार्लर जाके भेज, और तू अपनी को। हाँ हाँ, कैसा आइडिया है? बिल्कुल ठीक है। क्या हुआ यार चमकनी, दिन पे दिन तुम्हारी चमक कम होती जा रही है। नहीं, हम तो एकदम डेटी फूल है। वो तो तुम हो, पर जो तुम कहना चाह रही हो ना, वो ब्यूटी फूल हो गए। सही जा रहे हो तुम। डार्लिंग, ओह नो, मैं ये कह रहा था कि आज ब्यूटी पार्लर हो आओ। कहाँ है मैं जबरदस्ती ब्यूटी पार्लर भेज रहे हो? हम तो वैसे ही बहुत सुंदर है, फिर क्यों खामखा पैसे खर्च करूं, क्यों खामखा ब्यूटी पार्लर जाऊं? अरे बावले, अरे मैं तो ये कह रहा था कि इस चोपटे की डेंटिंग पेंटिंग करा लो। फेशियल कराओगी, ब्लीचिंग कराओगी, तो कत्ल होंगे लड़कों के। कत्ल क्या, हमें किसी को कत्ल वतल नहीं करना, नहीं तो पुलिस वाले ना हमको लॉकल में डाल देंगे। अरे लॉकल नहीं होता है, लॉकअप होता है। सही कह रहे हो आप। हाँ तो हम तो सही जा रहे हैं। मेरा मतलब है कि 2-4 दिन में ब्यूटी पार्लर आते जाते रहना चाहिए। काहे हमें जबरदस्ती बार बार ब्यूटी पार्लर भेज रहे हो? नहीं है मेरा मूड पार्लर जाने का, खामा का पैसे खर्च करने का। आप तो हमको रोज बोलते हैं, हम आपको ऐश्वर्या राय लगती है। बोली शाहरुख खान की तरह ना, तुम्हारे चेहरे पे भी झुर्रियां पड़ने लगी है। सही कह रहे हो। तुम्हारी जान की कसम, बुढ़ावा झलकने लगा। फिर तो हमें ब्यूटी पार्लर जाना चाहिए। और सुनो, लौटते में टिक्की खाना, समोसे खाना, बर्गर खाना, चाउमीन खाना और गोलगप्पे खाना, मगर आराम से आना। चलो चलते आओ। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। देखो मैंने जो बोला है उस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। अरे चमकनी जी,
आप कहाँ जा रही हो? अरे ये हमारे पति देव है ना, जबरदस्ती मुझे ब्यूटी पार्लर भेज रहे। अरे चमकनी जी, वो ब्यूटी पार्लर नहीं होता है, ब्यूटी पार्लर होता है। हाँ हाँ सही जा रही हो तुम। सही कहाँ जा रही हूँ, आप ही के साथ चल रही हूँ मैं तो। पता नहीं क्यों आज राजा जी भी हमें जबरदस्ती ब्यूटी पार्लर भेज रहे हैं। तो चले चले चलिए। हाँ उतर जाए। हाँ हाँ उतर जाइए बेटा, गलती जा रहा तू, आ जा उतर जा, जाओ और आराम से आना है। करण बेटे, करण बेटे आज करता हूँ तेरी तबीयत तिरंत। क्या लंदर, ये तबीयत तारी क्या हुआ है भाई? अबे चल तो सही, तुझे पता ना सारी बात जा रहे। जल्दी चलो, आज तो देख के मजा आ जाएगा। चला तो रहा हूँ यार, पर ये चली नहीं रही उसकी पट्टी। लगता है भाभी जी और चमकनी आ जाएगी, मगर यूँ ना चलेगी। अबे शुभ शुभ बोल, अबे जैसे तैसे तो हमने अपनी बीवियों को बाहर भेजा है और ये चली नहीं रही पट्टी। अबे इस पेन ड्राइव का अमरूद घर बेच के। क्या बता तुमने? बस यही कह रहा हूँ, मेरे घर का पुराना कबाड़ जब हो जाता है ना। हाँ? और फेंक दे दो मैं। अच्छा आओ। मतलब घर में पुराना कबाड़ पड़ा हो तो बाहर फेंक देना चाहिए। अब भाभी जी ने तो ना फेंका तुझे बाहर उठा के। बाहर तो मत बोल राजा, नहीं तो दो रसगुल्ला का बदला तुझे बेच के खा जाऊंगा हलवाई की दुकान पे। अच्छा आओ। अब फिर ये मूवी कैसे देखेगा जिसे देखने के लिए तो इतना उतावला हो रहा। बाहर यार सही कह रहा तू, तो चलाना यार। चला तो रहा हूँ यार, ये चलने की पट्टी। Oh no! हराम जाने चल जा। मेरा नाम करण है और मेरा अर्जुन, हम एक दुखियारी माँ के बेटे हैं। ये देखो कम बोल, कंप्यूटर से बनवा लाया होगा। अरे तन
तनु जी, ये तो गुलाटी वाले लोगों की पिक्चर है, इनको तो मैं जानती हूँ, शेख चिल्ली और करण अर्जुन। अरे चमकनी जी, ये पिक्चर तो मैंने भी देखी है 20 से 25 बार। अरे तनु, शेख चिल्ली और करण अर्जुन मूवी में एक लड़के की शक्ल तो मुझसे मिलती है बिल्कुल। आ रहा है। अरे तो फिर तुम इसे चलाते हुए इतना डर क्यों रहे थे? शादी करके घबराहट आई जाती है पाप। ठीक है तनु जी, जब तक ये लोग इसे शुरू से चलाते हैं, हम लोग इनके लिए चाय पकौड़े ले आते हैं। चलिए। हाँ चलो, और क्या? पर राजा, हाँ भाई, भूले से तेरे पे दूसरी पेंट ड्राइव आ गई। असली माल तो इसमें है, आग लगा देगी, आग दिल गार्डन गार्डन कर देगी। दोस्तों, अगर मेरे मुंह से कोई अच्छी बात निकल रही हो तो क्षमा चाहता हूँ, और साथ ही इतना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, और हाँ कमेंट अच्छे अच्छे जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलो। इनकी बात जरूर सुनो। बिल्कुल सुनना।